Yes, see this one. Ouch! Hello everyone. So friends, welcome back to our new vlog. तो guys, आज सुबह से बारिश हो रही थी, झकाझक मौसम था. तो हम लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था कहीं जाएंगे आज आउटिंग पे. तो इन बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ जम्मू में, द वन एंड ओनली द फेमस प्लेस, दैट्स बागी बाहू. तो हम लोग जा रहे हैं बागी बाहू, काफ़ी सालों के बाद. आई थिंक मैं कोई 10-12 साल के बाद जा रही हूँ. तो एक्चुअली बच्चों के लिए कुछ फन एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, झूले वूले हैं, तो फिश एक्वेरियम जाएंगे, बच्चों को फिशेज दिखाएंगे और करेंगे बहुत सारी मस्ती. तो चलिए आप भी हमारे साथ. तो बहुत इंस्टेंटली प्लान बना, जैसे मैं सुबह जिम में गई थी, घर आई वापस, तो मैंने कहा चलो यार मौसम बहुत अच्छा, कहीं घूमने निकलते. तो अंजलि ने कहा, मैंने बागी बाहू के बारे में बहुत सुना हुआ है तो मुझे जाना है बागी बाहू. फट बनाया मटर का पुलाव, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ. तो लंच टाइम भी हो रहा था तो हम लोगों ने फटाफट बनाया मटर का पुलाव और पैक किया और अब हम निकल रहे हैं. तो बज चुके हैं 1, तो आई थिंक 1:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे. तो मिलते हैं आपको सीधा वहाँ पे जाके. टिकट काउंटर यहाँ से मिलती है टिकट. तो पर टिकट का प्राइस जो है एडल्ट का दैट्स 25 और किड्स का है हाफ, दैट्स 12 रुपीज़. और हमने ले लिया टिकट, तो हम करेंगे एंट्री. मेन एंट्री गेट बागी बाहू, सो लेट्स गेट इनसाइड एंड सी. कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वैसा ही है. तो मौसम ने थोड़ा सा हमारे साथ बेईमानी कर दी, सुबह बहुत ही अच्छा था तो अभी थोड़ा सा मौसम जो है गर्म हो गया. सो ये है बागी बाहू, शाम का मौसम अच्छा होता है. गाइस ये है लुक बागी बाहू की. तो कहीं हम देखते हैं कोई पेड़ की छांव, देखते हैं फिर वहां पे बैठते हैं. चलो ऊपर बैठते हैं, टॉप में छांव ढूंढो तो उधर आराम से बैठते हैं. कहाँ ऊपर गया, ऊपर वहाँ पे उनका सामान उठा के ला रहा है खाने. आजा समृत आजा. आपको भी पता नहीं है कि हमारी चीज़ क्या होती है, ये जिसका इसको सामान दिख के वहाँ से उठा के ले लेता है. ये है ना हमारा बेबी. चलो मैं भी बने करने लगे हैं हम लंच. ज़्यादा तो मेरे से कुछ बना नहीं, फटाफट तो मैंने पुलाव पुलाव, मुझे अपनी मम्मा के हाथ का बहुत टेस्टी लगता था, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा यम्मी बनाते थे. तो बट काफ़ी टाइम हो गया, मम्मा अब चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो मैं वैसा मैंने बनाने की कोशिश की बट गाइस वैसा बन नहीं पाया क्योंकि पता नहीं शायद माँ के हाथ का प्यार होता है कि वो इतना टेस्टी होता है. सम्राट तो ये अभी लगे हैं स्नैक्स पे, तो मैं लगी हूँ खाना खाने. चल अंजलि को देना मेरे को उसमें. तो ये इयरिंग्स वेयरिंग्स मैं क्यों पहन के आई हूँ, वैसे तो मैं बड़ी पिकनिक में बड़ी कूल होके आती हूँ बट मुझे रील्स शूट करनी थी तो उसके लिए मुझे ये सब पहनना पड़ा. गए थे ऑफिस तो हमारा पीछे से हमारा प्लान बन गया. हम लोग रेडी होने में खाना बनाने में ऐसे लगे, हमने विक्की को फ़ोन ही नहीं किया ना ही उनको पता हम यहाँ पे आए. तो अब लगी उनको मैं वीडियो कॉल करके सीधा दिखाने के लिए कि हम लोग कहाँ आए और क्या कर रहे हैं. तो उनके जो एक्सप्रेशन है वो देखने लायक होंगे. मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, अदरवाइज वो रिकॉर्ड करती है और आपको दिखाती. चलो करते हैं उनको कॉल और दिखाते हैं क्या पिकनिक हो रही है यहाँ. ये देखिए यहाँ का जो किड जोन है बहुत ही प्यारा, इतनी अच्छी मैटिंग की हुई है नीचे कि बच्चों को लगने का कोई डर नहीं है, आप आराम से चिल कर सकते हो. बच्चों के साथ आए हो तो बच्चे अपना इंजॉय कर सकते हैं. जहाँ पे हम कभी जाते हैं पार्क में हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि बच्चे कहीं नीचे गिर ना जाए, उनको लग ना जाए. तो इस चीज़ से आप बिल्कुल आराम से आपको रिलीफ मिल जाएगा बिकॉज यहाँ पर है पूरी फ्लोर मैटिंग. तो देखिए काफ़ी ज़्यादा स्लाइडर्स स्विंग्स हैं तो बहुत इंजॉय करें. तो आई थिंक ये हमारा बहुत अच्छा डिसीजन रहा आज बच्चों को यहाँ लेके आने का. एंड समरथ एंड शेरिल दे आर एंजॉयिंग टू द फुलेस्ट. यू आर एंजॉयिंग. यहाँ पे अब लगी है कंपटीशन होने लगी है यहाँ पे. तो शेरिल ने हमें चैलेंज दिया कि इस रोप को क्लाइंब करते हुए जाना, तो अंजलि भी पार्टिसिपेट करेगी. पहले शेरिल की टर्न है तो देखते हैं शेरिल क्या कमाल करती है. शेरिल फर्स्ट कौन आता है. चलो चलो फास्ट. यस 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 आगे भी जाओ ना. ये थोड़ी ना होता है.
शहरल यहीं पे स्टगी, इस बेचारे को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, अकेले ही सीसॉ खेल रहा है, तो कोई बच्चा ढूंढ के लाओ समृद्ध के लिए। हेलो, इसके साथ खेल दो। तो शहरल होगी फर्स्ट में आउट, अब टर्न है अंजलि की, तो देखते हैं अंजलि क्या कमाल करती है फिर। फटाफट, यस, लड़की कुछ कर दिखाएगी यार, ये लड़कियां जो है ना, वाह अंजलि वाह, कमाल है कमाल है कमाल है, वेरी गुड। चला मेरी टर्न, हमने किससे कम नहीं आज हमने दिखाना। यार हाउ कुड शी डू इट, इट्स सो डिफिकल्ट, इतना टफ। ये होती है फिटनेस गांव की लड़कियों की, गांव में और ऐसी फिटनेस लेके आऊंगी अंजलि जैसी। तो गाइस डू कमेंट एंड लाइक, अंजलि के लिए कमेंट आना चाहिए, बनता भाई बनता। जो भी चैनल गाइस यहाँ पे कर ली हमने बहुत ज़्यादा मस्ती, तो अब हम जा रहे हैं फिश एक्वेरियम की तरफ, तो वो भी बच्चों को दिखा लाते हैं। तो चलिए आप फिश एक्वेरियम का रास्ता, तो हम लोग अब जा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे होती है टिकट इसके, तो एडल्ट की है 30 रुपीज़ और किड्स की है 10 रुपीज़, तो हमने ले ली टिकट, अब हम जा रहे हैं एक्वेरियम की तरफ। चलो अंजलि, ये साथ में है टेम्पल बावे वाली माता के नाम से फेमस है पूरे जम्मू में, तो ये रास्ता है उस टेम्पल की तरफ जाता है और ये रास्ता जाता है फिश एक्वेरियम की तरफ, है एंट्री एक्वेरियम की, तो फिश के मुंह से हमने जाना है अंदर। चलो तो ये देखिए, गाइस फिश एक्वेरियम के अंदर एंट्री करते ही आप जब अंदर जाओगे तो आपको देखेंगे बहुत सारी फिशेस की स्पीसीज आपको देखने के मिलेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने भी इतनी सारी फिशेस कभी नहीं देखी एक साथ, तो हर एक फिश जो भी वहाँ पे थी उसका उन्होंने नाम प्रॉपरली मेंशन किया हुआ था, कौन सी स्पीसीज है क्या नाम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि इतनी सारी फिशेस की नॉलेज मुझे मिली यहाँ के, तो बहुत अच्छा था। तो आप भी कभी विज़िट करो तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, स्पेशली बच्चों के साथ जाओगे तो बच्चे तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो देखिए आप देख सकती हो जैसे ये फिशेस देखो कैसे स्टैग्नेंट पानी में खड़ी हुई हैं, मूव भी नहीं कर रही, तो ये भी बिल्कुल अलग सी फिश थी। हमारी जर्नी बागे बहू की, अब हम जा रहे हैं घर, थक खा के और ये बुरी हाल, अभी जिसके बाद जाएंगे घर। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, टिल देन गुड बाय।